लास्ट क्लास वाला रिवाइज कर लिया था आप लोगों ने? चलो गुड, चलो छोटे छोटे पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे के लिए चलते हैं। बहुत ही नॉमिनल छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है? अब इसको करिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है? ए बी सी एक ट्राइंगल है बेटा और ये है हमारा एक्स डिग्री, ठीक है? और ये हमारा है 64 डिग्री, ठीक है? आपको x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने ये और ये साइड बराबर है बेटा, ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एसी हमारा डीसी के बराबर दिया हुआ है, एडी हमारा बीडी के बराबर है। जल्दी से निकालिए, एडी बाइसेक्टर है? नहीं बेटा बाइसेक्टर नहीं कह रहा है, बाइसेक्टर तो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइडें बस इक्वल है, बाइसेक्टर नहीं कह रहा है।
आया? चलो बेटा ये दोनों एंगल बराबर हैं, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो अपोजिट जो साइड इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये मैंने आइसोस्केलेस एंगल की प्रॉपर्टी में बताया था। तो मान लिया ये एंगल y डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 64 डिग्री कौन से ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल ए डी सी, तो हमको y का मतलब y कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये भी हमारा 58 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या हो गया पहले देख लो। अच्छा ये भी दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अगर वो h डिग्री है तो ये भी h डिग्री होगा। ये 58 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो बताओ ट्रायंगल एबीडी में एक्स डिग्री प्लस 122 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। 2x डिग्री इक्वल टू 58 डिग्री, तो एक्स डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 29 डिग्री। ये कितना एंगल है, ये 29 डिग्री। वही ए बी कितना आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, आसान सा था। बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन। चलो नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करिए, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इन विच एबी इक्वल टू एसी। Side BA is produced to D such that AD equal to AB. So that angle BCD is a right angle triangle.
एबीसी एक ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें एबी हमारा एसी के बराबर है, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमारा ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये एबीसी है। अब क्या कहा गया कि एबी मतलब ये लिख दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, एबी बराबर एसी है। एबी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, यहां तक डी तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट हमारा एडी जो है एबी के बराबर है, एडी हमारा एबी के बराबर है। एडी हमारा एबी के बराबर है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि बी सी डी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहां हो गया ये 90 डिग्री होगी, इसको प्रूव करना है। ये इसको यहाँ लिख देते हैं एंगल बी सी, ठीक है, सो डेट एंगल बी सी डी यहाँ पे लिख दो, कंफ्यूज मत होना डायग्राम के संग चला गया था। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी हमारा ए सी के बराबर है, इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, ऐसा प्रोड्यूस किया गया है कि ए डी हमारा ए बी के बराबर है। अब ये तीनों बराबर होता है, ध्यान से देखना, तो आपको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। हो गया तो फाइल भेजो जरा अपनी करके। हुआ कुछ प्रगति, जरा भेजना बेटा फाइल अटैच करके भेजो जरा। फोटो भेजो जरा अपना, जो क्वेश्चन आपने किया है उसकी फाइल अटैच करके। कहाँ सर? ओ अच्छा, फोटो पिक ही भेज दो, तुम व्हाट्सएप के ग्रुप पे हो प्रगति? अच्छा बेटा, हम कल ऐड करवाते हैं तुमको, ठीक है, कल ऐड करवाते हैं। चलो ए बी बराबर ए सी,
चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो गिवन है। तो एंगल बी और एंगल मान लो ये हमारा एक्स डिग्री है, तो ये भी एक्स डिग्री होगा। मान लो जो भी एंगल ये है ये एंगल बराबर हो, मतलब ए बी सी ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी हो जाएगा। अच्छा ए बी हमारा ए डी के बराबर है, ये भी दिया हुआ है, गिवन है। तो फिर ए बी, अच्छा ए बी हमारा ए सी के बराबर है और ए बी हमारा ए डी के बराबर है, तो ये भी दोनों तो बराबर होंगे, ए सी भी तो ए डी के बराबर हो जाएगा, ए सी भी हमारा ए डी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी, जब ये दोनों बराबर तो इनका भी एंगल बराबर, ए सी डी इक्वल टू ए डी सी, ठीक है, ए सी डी इक्वल टू ए डी सी, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। या हम कहें या तो ये पूरे ही एंगल कह दें, सी डी ए डी सी बोले या बी डी सी बोले बात तो एक ही है, ए डी सी बोले या सी डी बी बोले बात तो एक ही है, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना भाई, सी डी बी, एंगल सी डी बी, मतलब ये हमारा ए सी डी हमारा सी डी बी के बराबर हो गया, ए सी डी ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी डी बी, ठीक है, लिख दिया ये हम टू नंबर ऐसे लिख दिया, मतलब सी डी बी हमारा बराबर हो गया ए सी डी के, सी डी बी हमारा बराबर हो गया ए सी डी के, कोई बात नहीं एकदम सही। अच्छा देखो एंगल ए बी सी, देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी, ए बी सी और सी डी बी, ये एंगल और ये इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी प्लस ए सी बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी प्लस सी डी बी इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी भाई ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है ए सी, और ये एंगल हमारा अगर बीटा है तो ये बीटा है, तो ये सारे एंगल तो बराबर ही है ना ऑलरेडी। देखो ये एक्स है, ये भी बेटा हमने कहा अपोजिट एंगल एक्स होगा, ये साइड अगर बराबर हैं, ये वाली साइड बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, तो ये अगर वाई है तो ये भी हमारा क्या होगा, वाई होगा। तो तुम देखो ए बी सी, ए बी सी एक्स, सी डी बी वाई, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी और ए सी डी, बताओ सही है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, एक तरीके से एक्स प्लस वाई है और ये भी क्या है, ए सी डी, ये भी ए सी बी, एक्स प्लस वाई, बोलो होगा कि नहीं है, पहले ये सोच के बोलो, होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी, ए बी सी और सी डी बी, ये पूरे एंगल के बराबर हो गया कि नहीं, पूरा एंगल, ये एंगल मिलके एक्स प्लस वाई, ये पूरा एंगल है कि नहीं, मतलब बी सी डी, बी सी डी पूरा बी सी डी के बराबर हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री मान लिया। अब एंगल देखो बी सी डी ट्राइंगल में देखो, अब अगर हम लोग देखते हैं ऐसे, देखिए अब ट्रायंगल अगर बी सी डी देखें, बी सी डी तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल सी डी बी, सी डी बी, यहां से देखना ये 180 डिग्री होगा कि नहीं,
ये एंगल और ये पूरा एंगल बी सी डी, मतलब बी सी डी ये एंगल देखो, बी बी सी ये एंगल देखो, और सी डी बी ये एंगल देखो, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये समझ में आया? तो इसको लिख सकते हो बी सी डी की जगह एंगल बी सी डी, डी बी सी की जगह डी बी सी, डी बी सी, ए बी सी लिख सकते हो, ए डी सी बी की जगह ए बी सी लिख सकते हो, डी सी डी देखो डी बी सी, डी बी सी की जगह ए बी सी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए बी सी और एंगल सी डी फ्रॉम थ्री देखो, यहां से देखो फ्रॉम थ्री ए बी सी और ये एंगल ये बनाया है कि नहीं? ये अगर हम इसकी तरह जगह देखना चाहें ए बी सी और सी डी बी की जगह बी सी डी लिख सकते हैं, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। ये तो हमको प्रूव करना था। बोलो, और इसको बहुत इजी वे में अगर लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हो, बहुत ही इजी वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हो। जैसे ये तो जैसे तुमको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, पहले इसको नोट कर दो। देखो एग्जाम में लिखने की लैंग्वेज तो यही है, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, वरना हम एक और वे बता दे रहे हैं जिसमें बहुत ईजी वे में तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं है, तुमने हमको लग रहा है थोड़ा सा इजी वे में किया होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तुम्हारा भी आंसर सही है तो वेरी गुड प्रगति, बहुत अच्छा। अभी हम एक और तरीका बता देते हैं जिससे आपके एंगल एंगल ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपल वे में लिख सकते हो, तो उसको भी देख लेना। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अनुराग आपका डन हो गया, आदित्य अनुराग आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत कोई इशू कहीं भी, नोट कर लिया आप लोगों ने? एवरीवन सारे लोगों ने नोट कर लिया? आयुष आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, आयुष सर इसको शॉर्ट में कर सकते? शॉर्ट में मतलब कर सकते, शॉर्ट में कुछ नहीं, लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, बस तुम एंगल की जगह एक्स और वाई करके लिख सकते हो, लिखना तो कुछ ऐसे ही पड़ेगा, बहुत शॉर्टकट मेथड तो ये शॉर्ट ही है बेटा, तुम ध्यान से देखो। तो हमने कुछ लिखा नहीं है, बस हमने जितनी चीजें बोली हैं उसको बस लैंग्वेज में लिख दिया है, इसलिए तुमको हो सकता है थोड़ा लंबा दिख रहा हो। जैसे हमने बोला ए बी इक्वल टू ए सी, जैसे अब हम जैसे बोल रहे थे दिया हुआ है ये सब गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसको मैंने लिख दिया है, इसलिए ये एंगल बराबर होंगे, इसको लिख दिया है।
ए बी इक्वल टू ए डी है, ये ए बी इक्वल टू ए डी है, तो जब ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है तो ए डी भी ए सी के बराबर होगा, ये भी हमने बस लिख दिया है, इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, आइसोस्केलेस का एंगल की प्रॉपर्टी बताया, उसको लिख दिया है और कुछ किया थोड़ी। देखो यहाँ तक तो वही चीजें हैं जो एग्जाम में दी, मतलब वो दी हुई थी, यहां तक तो हमने वही कुछ लिखा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, कुछ नहीं, देखो उसके बाद हमने क्या लिखा, ये एंगल वाई हो गया, ये एंगल एक्स हो गया और ये एक्स प्लस वाई हो गया, तो तुम देखोगे ये एंगल प्लस एंगल, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वही तो लिखा है। अब इसको ऐसे लिखना चाहो कि ए बी सी प्लस सी बी डी सी बी डी, कुछ ऐसे लिखना चाहो तो ये बस उस लैंग्वेज में लिख दिया है और कुछ नहीं दिया है, सब कुछ वही। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ लिखा है, बहुत ही आसान वे में लिखा, इजी वे में लिखा है, बस उसके लैंग्वेज में हमने लिख दिया। देखो सारी चीजें तो वैसी ही है, फिर ट्रायंगल बी सी डी में देख लिया है, तो थोड़ी ना कुछ, तुम कह रहे हो इजी वे में, तो इजी वे में देख लो, हमने मान लिया ये एंगल एक्स है, ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसको भी एक्स कर सकते हैं, ठीक है, ये साइड इसके बराबर और इसके बराबर, तो इसको वाई और इसको वाई कर सकते हैं, तो तुम ये लिख सकते हो कि सीधे ये एंगल, एंगल बी ये वाला एंगल, एंगल बी लिखोगे तो फिर इसको सी लिखोगे तो पूरा ही हो जाएगा, तो बस ऐसे लिख सकते हो दिस प्लस दिस एक्स प्लस, अब लैंग्वेज में थोड़ा बेटा इसको लिखनी पड़ेगा, ए बी डी, तो ये है एक्स, ये वाला एंगल है प्लस वाई इक्वल टू, तुमने ये देख लिया ये एक्स प्लस वाई है, ये भी है, तो इस एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं पूरा पूरा डी सी बी लिख सकते हैं, एंगल डी सी बी या एंगल सी लिख दिया, बस ऐसे लिख दिया और कुछ किया। फिर हमने ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, इस पूरे वाले में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी कि x प्लस, अब देखो ट्रायंगल बी सी डी में देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और x प्लस वाई है क्या बेटा, एंगल सी ही तो है 90 डिग्री, अब इसको शॉर्टकट बोल सकते हो, लेकिन है नहीं है शॉर्ट, बाकी जो हमने लिखा था बस उसको ऐसे लिख दिया, एक्स वाई में लिख दिया, अभी यहाँ एंगल्स में लिखा था, ठीक है सेम चीज। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा है, क्वेश्चन करो, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट, दो एक्यूट एंगल होंगे ना, दो एक्यूट एंगल होंगे तो एक एक्यूट एंगल दूसरे वाले का क्या है डबल है, तो आपको प्रूव करना है द हाइपोटेनियस ए डबल द
स्मॉलेस्ट है। जल्दी करिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल दूसरे वाले का डबल है, तो आपको प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस डबल होगा स्मॉलेस्ट साइड। हो गया, चलो अब देखते हैं किसी का हुआ। तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना तो लिया जाए, तब ना चीजें समझ में आएंगी। अगर बना लेंगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। भाई इधर भी कुछ बना लिया जाए, एक प्रोड्यूस कर दिया जाए, अलग से कंस्ट्रक्शन कर। गिवन हमारा क्या है? हमारा गिवन यही है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये हमारा 90 डिग्री है। और क्या है, एक एक्यूट एंगल एक्स जो है ये दूसरे एक्यूट एंगल, ये एक्स है तो ये दूसरा वाला 2x होगा, ये कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि हमको ये प्रूव करना है, अच्छा छोटा वाला एंगल के सामने की साइड छोटी होगी, बड़े वाले एंगल के सामने की साइड बड़ी होगी। तो ओवरऑल हमको प्रूव क्या करना है कि जो छोटी साइड है बी सी उसका डबल होगा हाइपोटेन्यूस। तो हमको एसी प्रूव करना है किसी तरीके से 2bc, बस हमारे दिमाग में यही है इसको प्रूव करके दिखाना। बेटा हमने इधर प्रोड्यूस कर लिया डी पे, सेम ऐसा प्रोड्यूस किया कि बीसी और डीबी बराबर है। हमने ऐसा किया कि अगर ये हमारी लेंथ हमारी कुछ है बीसी और ये डीबी बराबर है, मतलब बीसी और डीबी हमने ऐसा प्रोड्यूस किया कि बराबर है।
ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये ध्यान रखो। तो दोनों एंगल में देख लो, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं ये, और ये सिमिलर ट्राइंगल है, क्यों देख लो, एक 90 डिग्री 90 डिग्री, ये साइड बराबर, ये कॉमन साइड ही बराबर, तो दो साइड और एक एंगल बराबर, मतलब सिमिलर ट्राइंगल। लिख भी लेते हैं एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी, इन दोनों में देखो कैसा सिमिलर ट्राइंगल भी बोले, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोले, ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर ने मेरे मुंह से निकल गया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो हो ही जाते हैं, साइड के रेशियो बराबर होते हैं वो तो हो जाते हैं। चलिए ए डी बी में देखते हैं, ए डी बी और ए सी बी, ठीक है, तो ए डी बी में तुम देखो, ए पहले ऐसे देखो, बी डी हमारा बी सी के बराबर, बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये दोनों बराबर, एंगल ए बी डी इक्वल टू ए बी सी, ये बराबर, और तीसरा हमारा बेटा ए बी इक्वल टू ए बी, ये बराबर, तीनों बराबर, तीनों बराबर है ही नहीं, तो बताओ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ए डी बी और ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे नहीं, ट्रायंगल दो साइड बराबर होगी और एक एंगल बराबर होगा, एस एस ए क्राइटेरिया, एस एस ए क्राइटेरिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो बाकी पार्ट भी दोनों ट्रायंगल के बराबर होंगे, ये तो पता है, बाकी पार्ट भी बराबर होंगे, तो हमारा ए डी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, ये तो पता ही है, ठीक है, इसका मतलब ए डी हमारा ए सी के बराबर होगा, और ये जो एंगल है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी जो बराबर है वो एंगल बी ए सी के बराबर होगा, और ये एक्स डिग्री होगा, किससे ये दोनों चीजें निकली, सी पी सी टी सी हम बोल सकते हैं, कौन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पास से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हमको ये बताना है, अच्छा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों एंगल बराबर है एक्स, ये एक्स हो गया, ये पूरा कितने बराबर हो जाएगा, ये पूरा मिला करके देखो 2x हो गया, ये भी एंगल 2x हो गया, तो ध्यान से देखो, ये 2x है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, ये 2x है इसकी अपोजिट साइड ये, बराबर होंगी कि नहीं होगी, बोलो ध्यान से, ये 2x है, ध्यान से देखो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 2x, ये बराबर, तो इनके सामने के अपोजिट साइड भी तो बराबर होंगे, आइसोस्केलेस एंगल हो गया ना, इसके अपोजिट साइड क्या है DC, इसके अपोजिट साइड क्या है AD, ये बराबर होगा AD, और AD किसके बराबर है भाई, पहले ही कह चुके हैं AD तो हमारा AC के बराबर है भाई, AD हमारा AC के बराबर है, AD हमारा AC के बराबर है कि नहीं बराबर, तो ये AD हमारा AC के बराबर है, तो हम AD की जगह ऐसे लिख सकते हैं BC equal to AC, क्योंकि AD हमारा किसके बराबर है AC, और BC को क्या लिखा है, सॉरी BC नहीं है, सॉरी बेटा यहाँ लिख दिया 2x है ना, तो 2x से काम में DC, DC थोड़ा गलती से लिखा गया, ध्यान रखिएगा DC लिखा है हमने, DC हमारा AD के बराबर है, DC हमारा AD, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सॉरी तो ओ ए डी, अब बताओ डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, और डी बी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं बी सी, तो टू बी सी इक्वल टू ए सी, टू बी सी इक्वल टू ए सी, भैया ए सी किसके बराबर हो गया, टू बी सी, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रगति अनुराग पीयूष सॉरी आदित्य, यही तो प्रूव करना था हम लोग को, आयुष बड़ा आसान था कि नहीं,
यही प्रूव करना था। बाकी लोग भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं थोड़े, एक मैं वेट कर लिया। हाँ मुझे ये फाइल अपलोड कर रहे बेटा, वो नोट हो गया ना? बस एक मिनट, वन हाँ। चलिए इसको क्लियर करते हैं, क्लियर कर देना, समझ में आ गया सबको, क्लियर कर लेते हैं। अब आप ये अलग क्वेश्चन देखें, फिगर में क्या गया है, डीपी हमारा डीक्यू के बराबर है, डीपी जो है हमारा डीक्यू के बराबर है, एंगल डीपी भी, एंगल डीपी भी हमारा ये पूरा एंगल, एंगल बीक्यू डी के बराबर है, बीक्यू डी के बराबर है, एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी हमारा किसके बराबर है, सी बी क्यू के, सी बी क्यू के बराबर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ये कन्वेरियंट है, एंगल प्रूव करना है ए डी पी, ए डी पी और सी बी क्यू, सी बी क्यू ये कॉन्वेरियंट रहेंगे। जल्दी करिए ऐसे, चलो करो। ये दिया हुआ ना, डीपी हमारा पीक्यू के बराबर है और ये एंगल बराबर दिया है, ये एंगल डी पी भी बी क्यू डी ये एंगल के बराबर दिया है। मान लो ये हमारा एक्स है तो ये भी एक्स दिया हुआ, और ए डी भी ये हमारा वाई है तो ये भी वाई दिया हुआ। तो हमको ये ए डी भी ये वाला और ये वाला ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सोच लो, बहुत ही आसान।
अच्छा ये एक्स है, ये दोनों लाइनें हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलिए। अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। बताओ ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो दो एक साइड और दो एंगल बराबर, तो बताओ दो एंगल बराबर एक साइड बराबर, ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल सी बी क्यू में। फिर से देख लो हमारा क्या है, डी पी बराबर बी क्यू है, डी पी बी क्यू बराबर है, डी पी बराबर ये बी क्यू है, ये तो गिवन है। एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये बराबर, ये भी गिवन है। अब एंगल डी पी ए क्या हो गया, एंगल डी पी ए ये बराबर हो गया एंगल बी क्यू सी के, और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर कितनी हो जाएगा, 180 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। डी पी ए और बी क्यू सी 180 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। ये तीसरा भी बराबर, तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो ए ए एस क्राइटेरिया हो गया। तो पता हमारा ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी बी वही ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस या ए एस ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलो सबका सही, दूसरा देते हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, एक मिनट। चलो बस दो नंबर क्वेश्चन और ये हो गया अपलोड। चलो इसको क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें, चलिए जल्दी करिए। हो गया,
ऐसे एस अनुराग ने बोला ऐसे एस, बाकी लोग नहीं बोल रहे। ये एल है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, जो लाइन इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ लाइन, ये दोनों पेयर ऑफ लाइन पी और क्यू के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है। तो शो करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये प्रूव करना है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। अब सोच लो, साफ साफ दिख रहा है, देखो ये पैरेलल लाइन, ये एंगल, ये वाला एंगल, नहीं 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 रुक जाओ, ये एंगल बराबर इस एंगल से पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है। तो बेटा ये वाला एंगल बराबर है इसके, मतलब ये अगर x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, दो एंगल बराबर हो गए। अब दो एंगल बराबर हैं, और ये साइड देखो AC तो दोनों में कॉमन है ना, AC दोनों, अच्छा तीन एंगल बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ए ए ए कॉन्ग्रुएंसी होती है, नहीं तीन एंगल बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, प्रगति बताइए, तीनों एंगल बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, प्रगति सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, इसका नाम दिक्कत हो गई थी, कनेक्ट हो गया। हाँ प्रगति, तो आप बताइए क्या अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, प्रगति आप बताइए। नहीं होगा, गलत है,
तीनों एंगल बराबर है तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल बराबर, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि दो फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं, हमने शुरू में ही बताया था, जब उनका शेप और साइज एकदम इक्वल हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दो तो दूसरा, एक के ऊपर दूसरा रख दो तो दूसरा वाला दिखे ही ना दूसरा वाला। अगर तीन एंगल बराबर है तो मान लो दो इक्विलेटर ट्रायंगल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं, ये इक्विलेटर ट्रायंगल 60 60 60 का देख लो, और एक बड़ा सा इक्विलेटर ट्रायंगल देख लो, इसमें भी 60 60 60, तो क्या इस ट्रायंगल को तुम इसके ऊपर रख दोगे तो ये पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ना, तो तीनों एंगल बराबर होने पे, आवाज कट रही है, आवाज सबको, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, अनुराग आदित्य आवाज आ रही है, आ रही है प्रगति, आप अपना एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, चलो ठीक है प्रगति, समझ में आया कि हमारा अगर ए ए ए क्राइटेरिया है तो जरूरी नहीं है ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अब इसमें देख लो, इसमें देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में देखते हैं, तो हमको दिख गया बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अब आ रही है करस्पॉन्डिंग एंगल है जो दो लाइन कट करती हैं ऐसे पैरेलल लाइंस को, ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं बराबर होते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। एंगल ये वाला देखो ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी बराबर, दूसरा एंगल भी बराबर हो गया, ये इक्वल टू हो गया हमारा बी ए सी वाई के बराबर हो गया, और ए सी डी ए सी डी नहीं ए सी बी हाँ ये वाला एक्स के बराबर हो गया, और तीसरा हमारा ए सी इक्वल टू ए सी हो गया। तो हमने देखा दो एंगल बराबर हो गए एक साइड, तो ए एस ए क्राइटेरिया हो गया, ए एस ए क्राइटेरिया हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अपलोड करते हैं, थोड़ा सा बेटा आज नेट की प्रॉब्लम चल रही है हम लोग की, इसलिए पैनिक मत होइएगा।
आपको और भी डायग्राम बेटा आप ड्रॉ भी कर सकते थे डायग्राम। इन ए राइट इन ए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ए बी का मिड पॉइंट एम है, इज ज्वाइंट टू एम, सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया जाता है एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, डी तक प्रोड्यूस किया जा सकता है जाता है जैसे जिसका जिसके कारण डी एम हमारा सी एम के बराबर हो जाता है, डी एम और सी एम ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू द पॉइंट बी, अब डी को बी से ज्वाइन किया जाता है, तो प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ट्राइंगल बी एम डी ये कॉन्ग्रुएंट है। एम बराबर अच्छा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके अच्छा एम मिड पॉइंट है ए बी का, ये ध्यान रखना ये दोनों भी बराबर है, हो गया है तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, देखो बहुत सिंपल पहला वाला तो देखते ही प्रूव हो गया, तुम देखो लिख सकते हो पहले वाले के लिए, अगर हम ट्रायंगल एएमसी की बात कर रहे हैं एंड ट्रायंगल बीएमडी की बात कर रहे हैं तो देखो बीएम इक्वल टू एएम, बीएम इक्वल टू एएम, डीएम इक्वल टू सीएम, डीएम इक्वल टू सीएम, एंगल डीएमबी इक्वल टू ए एम सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया, दो साइड बराबर हो तो एक एंगल बराबर हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया हो गया, दो साइड बराबर हो गया एक एंगल बराबर हो गया, तो हमारा एंगल क्या हो गया, तो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एम, प्रूव हो गया। सेकंड वाला प्रूव दीजिए, डीबीसी इज राइट एंगल, बहुत हड़बड़ी मत करिए, अच्छा कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो तुमको पता हो गया कि अब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के भी बराबर होते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तीनों एंगल भी बराबर है, ध्यान रखिए। सेकंड पार्ट करना है, एसीएम किसके बराबर, ये वाला एंगल किसके बराबर, बीडीएम के बराबर हूं, सीए पैलर है बीडी में, सीए पैलर टू बीडी, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और सीए
सी ए पैरेलल टू बी डी है, हो जाएगा कि नहीं? तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होगी कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो गए तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी नहीं? लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो हमको प्रूव क्या करना है, डी बी सी प्रूव करना है ना, डी बी सी, अच्छा इस वाले को प्रूव करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे एंगल बी सी ए प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल बी बी सी, ये हमारा 180 डिग्री होगा कि नहीं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अरे दोनों पैरेलल लाइन हो गई ना, तो ये दोनों एंगल दोनों पैरेलल लाइन है, उनको ये लाइन कट कर रही है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं? सॉरी, दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये सब पढ़ाया हुआ है ना इसमें, होगा? बताइए। तो एंगल डी बी सी, डी तो प्रूव करना है, डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी सी ए, और बी सी ए तो हमारा पहले से दिया हुआ है राइट एंगल एट सी, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, डी बी सी इक्वल टू 90। अब ये दोनों प्रूव कीजिए, डी बी सी और ए सी बी। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, थर्ड वाला पार्ट जल्दी कीजिए, थर्ड वाला पार्ट कीजिए भाई। एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल बराबर हो गया और ये वाली साइड हो गया, आराम से देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड कॉमन हो गया, क्या कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अनुराग समझ में आया, आदित्य, अरे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल साइड बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल, ए एस ए क्राइटेरिया, और ये 1/2 दिया, ये प्रूव करना है कि सी एम 1/2 ए बी के बराबर होगा, सी एम को प्रूव करना है 1/2 ए बी के बराबर, इसको प्रूव करिए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी भी तो सी डी के बराबर होगा, ए बी हमारा सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, और सी डी है क्या, 2 cm ए बी के बराबर होगा कि नहीं भाई? अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले में देखना, इस वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी हमारा सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? ए बी हमारा सी डी के बराबर होगा, तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी क्या है, 2 cm, ये दोनों पार्ट बराबर है ना, तो 2 cm के बराबर होगा, तो सी एम क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी के बराबर हो गया, चौथा पार्ट भी निकल गया, ये चारों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नोट डाउन कीजिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है आप लोग, एक तरह से मतलब ये मत सोचिए कि बिना लिखे ही नंबर मिल जाएगा, एग्जाम में थोड़ा सा चीजें आपको लिखनी भी पड़ेंगी। ये आप लोग को दे रहे हैं, एक मिनट, ये हो गया, हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए क्लियर करें,
हाँ तो मैंने कहा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रूव करने वाले, तो थोड़ा इत्मीनान से क्लास में लिखना, एग्जाम में जब लिखना है तो मार्क्स मिलना मुश्किल होंगे, बहुत जल्दबाजी में कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करना अच्छे से, चीजों को डायग्राम अच्छा बनाना और फिर करना। फिगर में कहा गया है कि ए बी हमारा क्यू आर के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन हमारी क्यू आर के पैरेलल है, और बी सी हमारा पी आर के पैरेलल है, वेरी गुड, और AC हमारा PQ के बराबर है, AC हमारा PQ के बराबर है। प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कीजिए। हो गया, देखो बेटा बहुत आसानी से इसको सोच सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई लाइन कट करे, मतलब एक ऐसा करते हैं कि ये लाइन कट करे इसी के पैरेलल ये वाली लाइन कट करे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं? ये एंगल मतलब एक तरीके से वही वाला सेम वाला पार्ट होगा, इसको अगर हम पैरेलल इधर सरका दें तो कुछ ऐसा बनने लगेगा। तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये नहीं, मुझे भी देखो कंफ्यूजन हो गया, ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, बोल होंगे बराबर होंगे, तो वही तरह कुछ इसमें है बेटा। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से ये लाइन कट कर रही है दो पैरेलल लाइनों को ये लाइन कट कर रही है, तो जो ये दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, देखो यहाँ से देखो दो पैरेलल लाइन है, उसको ये लाइन कट कर रही है, तो हमारा जो ये वाला एंगल है, जो ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ट्राइंगल अगर ए बी सी में जाए एंड ट्राइंगल क्यू आर पी में जाए तो BAC एंगल BAC इक्वल टू एंगल PQR, और आप देखो इस लाइन को पैरेलली अगर इधर सरका देते हैं, भाई ऐसे सोच रहे पूरे पूरे ट्रायंगल को अगर इधर कर दें, अच्छा ये भी पहले लिख लो, AC हमारा PQ के बराबर है, पहले जो जो चीज दी है AC हमारा PQ के बराबर है, ये भी लिख लें। अगर हम पैरेलली इसको देखें, यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलली ही ड्रॉ करें, पैरेलली इसके पर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और जो ये एंगल होगा वो यही होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो एंगल RPQ ये बराबर होगा BCA के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये तीनों क्राइटेरिया कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। SAS बेटा कैसे हुआ, दो ही साइड तो बराबर देख रहे, यही साइड तो बराबर, दो एंगल एक साइड दिख रहा है ना, दो एंगल और एक साइड दिख रहा है ना, अंदर
चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो अच्छे से, चीजें आएंगी अच्छे से, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट रुकिएगा, आप लोग को एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बस अपलोड कर लूं मैं। चलिए और ये मैं फाइल पे गया, मैं ये वाला क्लियर कर रहा हूँ, नोट कर नहीं लिया होगा आप लोगों ने। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन, E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC. Triangle ABC so that BF equal to CE. चल जल्दी देखते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इक्वल साइड है ए बी और ए सी, ध्यान रखिएगा ए बी और ए सी इक्वल साइड है और ई और एफ मिड पॉइंट है। तो ए एफ ये सब बराबर होंगे, ए एफ एफ सी के बराबर होगा और ए ई ये भी तो मिड पॉइंट है, ए बी जब देखो ऐसे सोचो, ये जब ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और ए बी क्या है, ए बी में ए ई और ई बी बराबर है, ए ई इक्वल टू ई बी और ए सी में ए एफ और एफ सी, तो सारे के बराबर है। अच्छा इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीएफ एंड ट्रायंगल ये वाला एईसी, इसमें देखो ये दोनों साइड बराबर, एई ए बराबर, एई ए बराबर, तो एई इक्वल टू एफ ये बराबर, और क्या बराबर है, एबीएफ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला एंगल ए बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बराबर, एक एंगल हो गया, दो साइड किसी तरीके से प्रूव करो, तो ए बी एफ और इसमें अच्छा एक साइड हो गया, दो एंगल प्रूव कर दो, ये मिड पॉइंट है, कुछ हो रहा है देखो, एंगल ये ट्रायंगल में हमने ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दिखा दिया, कुछ कॉमन है इन दोनों में,
ये तो ए बी एफ है। अच्छा ये देखो, ए बी और ए सी भी तो बराबर है। ओ ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये साइड बराबर, एंगल बराबर, साइड बराबर, एस ए एस, एस ए एस क्राइटेरिया है। तो ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे ए ई सी के। जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी एफ तो सी के बराबर होगा ना, बी एफ और सी भी तो बराबर, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो बराबर होंगे। बी एफ इक्वल टू सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देख लो बेटा, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? गुड। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक आध दो चार क्वेश्चन और भी कर लेंगे ट्रायंगल के, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो प्रूव करने वाले भी दे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रायंगल वाला पार्ट आपका खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास अभी और लिया जाएगा इस पर और चीजें प्रूव। तो ट्रायंगल अब तो हमको लगता है काफी आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल नहीं, काफी क्वेश्चन हम लोग किए हैं तो काफी चीजें आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, तो अब या तो क्वेश्चन ट्राइंगल हो ही गया है, अब या तो हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम हो ही गया था, तो अब या तो हम लोग क्वाड्रिलेटर देख लेंगे, या तो एरिया पैरेलोग्राम कर देख लेंगे, या सर्कल देख लेंगे। छोटे छोटे दो तीन चैप्टर बचे हुए हैं, मेन तो प्रूव करने वाले बड़े बड़े चैप्टर आपके निकल गए हैं, ये चीज देख लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा तैयार कीजिए, आपको जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से तैयार कीजिए। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास के बाद स्टार्ट कर देंगे। ओके।